अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो दोस्त जो सर्चिंग करते हैं और कुछ चैनलों के सर्चिंग में नहीं आते और वो टीपी को सर्च करते हैं लेकिन टीपी उनको लगाने नहीं आती, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने किसी भी चैनल की टीपी को ऐड करना है किसी भी रिसीवर में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने मेन्यू प्रेस करना है और एंटीना सेटिंग में जाना है। मुख्तलिफ रिसीवर में मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन ये 1506T और एफ वाला जो सिम वाला रिसीवर होता है उसमें यही ऑप्शन होते हैं। ट्रांसपोर्टर लिस्ट में आपने जाना है। ठीक है, वहाँ पर ये मेन्यू आपका सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि रिमोट से रेड बटन प्रेस करना है। नीचे जो इसका ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड, एडिट, डिलीट, स्कैन, तो आपने ऐड वाला बटन प्रेस करना है। रिमोट से रेड कलर का बटन, लाल कलर का बटन आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे उसके बाद आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब मेरे पास 92 न्यूज़ जो है वो सर्चिंग में नहीं आया था, तो मैंने उसकी टीपी को यहाँ पर ऐड करना है और सर्च करना है। मेरे पास ये 92 न्यूज़ की टीपी है 40, 23 और 57 0। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं कैसे ऐड करता हूँ। ये पहले आपने ऊपर वाले ऑप्शन में इसकी जो 4023 लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है 57 0। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आपके पास कोई भी अगर चैनल ना हो उसको ऐड करके स्कैन करेंगे तो आपके पास चैनल आ जाएगा। ये मैंने इसको सेव कर लिया है, देखें इसके सिग्नल आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं ब्लू बटन प्रेस करूंगा रिमोट से, मतलब कि नीला बटन प्रेस करूंगा रिमोट से। ठीक है, ये रिमोट से नीला बटन आपने भी प्रेस करना है। नीला बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो उस ये सामने स्कैन का ऑप्शन आ गया। आपने रिमोट से ओके का बटन प्रेस कर देना है। जो फ्रीक्वेंसी आपने ऐड किया है उसका चैनल यहाँ पे स्कैन होके आ जाएगा। ठीक है, वो चैनल जो स्कैन में नहीं आते उनकी टीपी इस तरह आपने लगानी है और इस तरह आपने उस चैनल को स्कैन करना है। ज़्यादातर एस पोर्ट का इशू आ रहा है तो एस पोर्ट की भी फ्रिक्वेंसी आपने ऐसे लगानी है और वो चैनल आपके पास आ जाएगा। ये चैनल मैंने स्कैन कर लिया है, इसका ये देखें कि चैनल सामने आ चुका है, चैनल चल भी रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि LNB की पोजिशन, अगर LNB की पोजीशन जो सामने आपको वीडियो में नज़र आ रही है इस तरह अगर LNB की पोजीशन होगी तो आपके चैनल वर्टिकल में आएंगे, यानी कि आपको वी करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, LNB की पोजीशन आप जैसे ही टीपी ऐड करते हो तो LNB की पोजीशन आपकी और होती है, टीपी आप और लगाते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप डिफरेंट करते हो तो वहाँ पर आपको चैनल रिसीव नहीं होता। तो सबसे पहले आपने LNB की पोजीशन को देख लेना है। ठीक है, अगर इस तरह LNB की पोजीशन होगी तो आपके चैनल हॉरिजॉन्टल में होंगे। ठीक है, सीधी, जैसे कि ये जो केबल जहाँ पे लगती है अगर ये वाली साइड ऊपर की तरफ होगी तो आपके चैनल हॉरिजॉन्टल में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको एक चीज़ समझानी थी, समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।